नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बुधवार को नगर में ईद उल फितर का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छोटे छोटे बच्चे पुरुष सज धज कर ईदगाह पर पहुंचे। सारंगपुर रोड स्थित ईदगाह पर शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना गुफरान मजाहारी ने तकरीर में कहा कि जब ईद उल फितर की रात होती है, इसका नाम आसमानों पर इनाम की रात से लिया जाता है, और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला सनूह फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वह जमीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों में खड़े हो जाते हैं। जब लोग ईदगाह की तरह निकल हैं तो हक ताला सनूह फरिश्तों से कहते हैं, क्या बदला है उस मजदूरी का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वह कहते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं राजी हो गया। उसके बाद मौलाना ने ईद की नमाज 8:30 बजे अदा कराई और दुआ की गई। नमाज के बाद मौलाना ने दुआ की, हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा, हमारे मुल्क की तरक्की अता फरमा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा फरमा और नगर में सद्भाव भाईचारा बना रहे। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। हिंदू भाइयों ने भी ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। खबर समय जगत के लिए तलेन से मुकेश यादव की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।